हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिशा, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं नवरात्रि के चौथे और पांचवें दिन की मॉर्निंग की रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मॉर्निंग में मेरा रूटीन कैसा रहता है नवरात्रि के टाइम में। और अभी यहाँ पे ये फोर्थ डे है और मैं यहाँ पे भगवान जी को दिया वगैरह कर रही हूँ, मतलब पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरी पूजा हो भी गई है और बस मैं हाथ जोड़ के अपना पाठ वगैरह पढ़ूँगी, उसके बाद बाहर तुलसी माँ जी हैं उनको जल दूँगी। और बस फिर उसके बाद अभी मॉर्निंग में ही आज मैं नहा ली थी, पूजा वगैरह कर ली थी, मतलब सो के उठते ही, और अभी चाय वगैरह नहीं पिए थे पहले ही। वैसे मैं हर दिन चाय सुबह एक कप पी के फिर उसके बाद स्टार्ट करती हूँ, लेकिन आज मैं जल्दी उठ गई थी तो मुझे लगा चलो पहले नहावा के पूजा कर लेते उसके बाद मॉर्निंग की चाय पीती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने पूजा करने के बाद मॉर्निंग की चाय बनाई और बैठ के आराम से पीऊँगी, टीवी में कुछ लगा लेती हूँ। तो अब मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा बना था, कभी आप ट्राई करिएगा, और ये फलहारी ही है। तो यहाँ पे मैंने साबूदाना लिया है, साबूदाना को मैं मिक्सर में पीस लूँगी, एकदम पाउडर कर लूँगी जैसे होता है, और उसके बाद ये निकाल लूँगी एक बर्तन में। उसके बाद आलू ऐसे ही काट के मैंने छिल के और थोड़ा मिर्ची इसमें जैसा आपको तीखा पसंद हो डाल के इसको भी मैं एक मिक्सर में पीस के अच्छे से निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने देखिए साबूदाना पहले पीस के अच्छे से निकाल लिया है, अब उसी मिक्सर में मैं आलू भी डाल के अच्छे से, थोड़ा सा आप पानी डाल दीजिए अगर आपको लगे तो अच्छे से पीस नहीं रहा है, तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने आलू को भी अच्छे से पीस के डाल लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी जीरा, साबुत जीरा और नमक। मैं तो अभी फलहारी नहीं बना रही हूँ तो मैं ऐसे ही नॉर्मल जो घर का नमक होता है वो यूज़ कर रही हूँ, आपको लगे तो आप सेंधा नमक भी जैसे फलहारी में बना रहे हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको अच्छे से फिर मिक्स कर दूँगी और एक्स्ट्रा पानी अगर आपको लगे तो आप एक्स्ट्रा पानी इसके जब भी डाल सकते हैं, आप दही भी डाल सकते हैं, वैसे मैंने अभी पानी ही यूज़ किया है। बस इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रख देती हूँ। और अभी मेरे पास बनाना है, दो तीन बनाना बचे हुए हैं और हम लोग को थोड़ा सर्दी वगैरह हो गई है, बहुत ज़्यादा नहीं हुई लेकिन फिर भी गले में दिक्कत हो रही है क्योंकि अचानक से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। अभी इतने टाइम पे तो इतनी ठंड नहीं आती लेकिन इस बार आ गई है। तो बस यहाँ पे बनाना हम लोग से खाया नहीं जा रहा था क्योंकि गले में दिक्कत है ना, तो ऐसे खाऊंगी तो और भी गला पकड़ लेगा। तो बस यहाँ पे उसी को मैं पुआ बना दे रही हूँ, केले का पुआ, तो फिर वो आराम से खा लेंगे, नहीं तो बनाना जल्दी गल भी जाता है, ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा मैदा और दो बनाना और थोड़ा सा मिल्क ऐड कर रही हूँ और इसी में थोड़ा शक्कर डाल के मैं अच्छे से मिक्स करके एक बैटर बना लूँगी ऐसा। और बस कढ़ाई में तेल डाल के अच्छे से गर्म हो जाए तेल, उसके बाद एक एक करके ऐसे पुआ बनाएंगे और पुआ ऐसे बड़ा बड़ा ही बनता है और देखिए कितने अच्छे से मेरा फुला हुआ है पुआ। और बस यहाँ पे एक एक करके ऐसे ही छान लूँगी और फिर उसके बाद जो साबूदाना का वो आलू साबूदाना भिगा के रखी ना, उसके लिए भी टाइम मिल जाएगा, उसको आप थोड़े देर के लिए भिगा सकते हैं, मतलब आधे घंटे के लिए भिगा देंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से फूल जाएगा वो। और उसके बाद आपको लगे टाइट हो रहा है तो उसके बाद में उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने एक एक करके ऐसे पुआ सारा बना लिया था और बस वही साबूदाना का है बड़ा छानने जा रही हूँ। और यहाँ पे ऐसे बस उसको लेके हाथ से ऐसे ऐसे थोड़ा से गोला गोला मैंने किया है ना, वैसे करिएगा, पकौड़ी की तरह नहीं छानिएगा, नहीं तो मैंने एक दो ट्राई किया वो जैसे कि मतलब घी में ज़्यादा छोड़ रहा है, मतलब उसका दाना वगैरह, तो बस ऐसे गोला गोला करके टिक्की की तरह कर लेंगे ना तो बड़ा बनेगा। और आप बड़ा जैसे बनता है ना बड़ा, वैसे सेपी भी बना सकते हैं, मेरे को अभी वॉइस ओवर में ख्याल आ रहा है कि वैसे भी बनाती तो बहुत अच्छा बनता, एक दो ट्राई करना चाहिए था, फिर कभी ट्राई करूँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी वैसा। तो बस यहाँ पर मैंने एक बार में निकाल लिया है और ये मैं दोबारा कर डाल दी हूँ और बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी बना था। अब मैं फास्ट रखूँगी तो ये वाला ज़रूर बनाऊँगी और आप भी ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा आएगा। बस यहाँ पे मेरा पुआ और ये साबूदाने का जो बड़ा होता है वो सारा बन गया है और उसके बाद मैं कोई वीडियो शूट नहीं की क्योंकि मैं मॉर्निंग का ही रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ फोर्थ और फिफ्थ डे की। तो ये फिफ्थ डे है, पांचवा दिन है नवरात्रि का और आज मैंने कुछ मतलब कल रात में मैंने बर्तन वगैरह क्लीन करके नहीं सोया था, गैस वगैरह भी बहुत अच्छे से क्लीन नहीं की थी, तो आज सुबह मॉर्निंग में उठते ही पहले गैस क्लीन की अच्छे से और एक कप मैं चाय चढ़ा रही हूँ, एक कप नहीं दो कप चाय चढ़ा रही हूँ अपनी इनके लिए। चाय चढ़ाने के बाद मैं सारा बर्तन जितना ड्राई बर्तन रहेगा ना उसको अंदर डिशवॉशर में डाला और बर्तन भी क्लीन करके रात में नहीं सोई थी। डेली का रूटीन ये नहीं रहता, कभी रात में करके सोती हूँ, कभी ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो छोड़ देती हूँ, सुबह से मॉर्निंग के टाइम कर लेती हूँ।
तो बस बर्तन वगैरह क्लीन की, चाय एक साइड बन रही है, मुझे लगा तब तक बेड भी सही कर लेती हूँ, ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड कर देती हूँ। बस यहाँ पे वही ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करूँगी, उसके बाद चाय पक गई रहेगी तो एक कप चाय पीऊँगी, क्योंकि अभी तुरंत ही नहा लो ना तो बहुत ज़्यादा अभी ठंडा पड़ रहा है तो तुरंत बॉडी गर्म रहती है, और तुरंत नहा लो तो फिर वो लगने लगता है बहुत, एकदम मॉर्निंग में उठे रहते कोई काम नहीं रहता, ये भी नहीं उठा रहता तब मैं नहा लेती हूँ, जैसा कि कल मैंने नहा लिया था चाय के पहले ही, बट अभी आज ये भी उठ गया है तो मुझे लगा चलो एक कप चाय पी के फिर उसके बाद चलते हैं नहाते हैं। बस उसके बाद यहाँ पे हम लोग का हीटर जो है ना कम काम कर रहा था, हम लोग को फील हो रहा था कि कम काम कर रहा है, तो बस कल ये कंप्लेन रेस किए थे तो आज यहाँ पे हीटर ये लोग बनाने आए हैं, तो बस वही थोड़ी देर हम लोग चाय वगैरह पिए, और हॉल वगैरह इसी वजह से मैं ठीक नहीं की, बेडरूम वगैरह ठीक कर दी, किचन ठीक कर दी, अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि हॉल वगैरह उन लोग काम कर रहे हैं, अभी आना जाना लगा रहेगा तो मैं बाद में फिर हॉल ठीक कर लूँगी। बस यहाँ नहा के आने के बाद में वही डेली का अपना फिश क्रीम और कंघी वगैरह करके अब पूजा के लिए चलते हैं, और बस नॉर्मली जैसे पूजा दिया बत्ती पाठ वगैरह जो भी करना रहता है डेली का वही है, बट टाइम से सुबह शाम के टाइम मैं ऐसे ही दिया बत्ती आराम से कर लेती हूँ, जितना भी मुझे पाठ वगैरह आता है वो पढ़ लेती हूँ, और बस इसके बाद में फिर से वही नाश्ता बनाऊँगी सुबह का। तो यहाँ पे आज मैं उपमा बनाने जा रही हूँ, बस सूजी का सिंपल सा उपमा बना रही हूँ, और यहाँ पे सूजी को मैंने अच्छे से भून लिया है, मतलब बिना ऑयल डाले ही भून रही हूँ ऐसे ही सूखा, और थोड़ा सा ज़्यादा ही सिक गया था मेरा, और इसको बस हल्का सा सेकना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और अभी तक इन लोग का काम देखिए चल रहा है, सुबह से ही आए हैं, जब तक हम लोग उठे हैं तब से ही आए हैं और अभी तक उन लोग का काम चल ही रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था हीटर तो उनको अच्छे से क्लीन कर रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पे मैं उपमा बताती हूँ कैसे बना रही हूँ, तो उसमें तो थोड़े से ऑयल में मैंने मिर्ची एक मिर्ची और साबुत जीरा का तड़का दिया, उसके बाद टमाटर और मटर डाल के अच्छे से थोड़ी देर भुनी हूँ, और उसके बाद पानी ऐड कर दी हूँ। अब पानी में मैं ये ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ठंडी में तो बहुत ही अच्छा आता है फिर गरम गरम खाने में। उसके बाद नमक डाल के थोड़ी देर के लिए मैं ढक दूंगी, मतलब पानी पक जाए, और जब तक वो पानी पकेगा ना तब तक मैं एक साइड चाय चढ़ा लेती हूँ, और ऐसे जब आप पानी पका लेते हैं ना उसका तो फिर बनाते तो बहुत अच्छा आता है, नहीं तो ऐसे कच्चा कच्चा टाइप थोड़ा आता है। पहले मैं वैसे बनाती थी लेकिन एक दो बार मैंने ऐसे बनाया तो बहुत अच्छा टेस्ट आया। बस सूजी डालने के बाद पानी पक जाए तो सूजी डालने के बाद थोड़ी देर उसको ऐसे चलाते रहेंगे तो वो अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। बस मैंने थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल दिया था और बस यहाँ पे नाश्ता बन गया है, और सुबह का बस इनको नाश्ता दे रही हूँ, मतलब नाश्ता कर लिया है, चाय बस बैठ के पीऊँगी अभी, और ब्लैंकेट वगैरह आज हॉल बिल्कुल ठीक नहीं की, दोनों टेबल पर ढेर सारे सामान भरे हैं, तो अभी ब्लैंकेट ऐसे एक बार फोल्ड कर देती हूँ और भी खाली हो जाती हूँ तो हॉल ठीक करती हूँ। तो ये था मेरा मॉर्निंग का रूटीन दो दिन का, तो इसी के साथ वीडियो का एंड यहीं करती हूँ। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।